एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे थे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस गीत को अपनी आवाज़ देकर अमर करने वाले मुकेश की कहानी भी इस गीत की तरह ही है। मुकेश की आवाज़ और उनके गीत उनके जाने के 44 साल बाद भी लोगों को जीने की राह दिखा रहे हैं। हिंदी सिनेमा को हर दिल को छू लेने वाले, सदियों से सुपरहिट सेंटिमेंटल गीतों को सरगम देने वाले सिंगर मुकेश ने 27 अगस्त को ही दुनिया को अलविदा कहा था। मुकेश ने जो काम जिंदगी भर किया उसी को करते करते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मुकेश एक कार्यक्रम के लिए विदेश गए थे जहां 27 अगस्त 1976 को उनका निधन हो गया। इस मौके पर उन्हें याद करते हुए उनके कुछ नगमों के साथ जानते हैं कुछ खास बातें। शुरुआत में दूसरे सिंगर की नकल करते थे मुकेश। अपने करियर के शुरुआती दौर में मुकेश को खुद के टैलेंट के बारे में जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो उस दौर के मशहूर सिंगर और एक्टर केएल सहगल की आवाज़ में गाते थे। मुकेश उस समय केएल सहगल को इस तरह कॉपी करते थे कि एक बार खुद केएल सहगल धोखा खा गए कि ये गीत उन्होंने कब रिकॉर्ड किया। हालांकि बाद में जब मुकेश को संगीतकार नौशाद का साथ मिला तो उन्होंने अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया। ऐसे मिला था बॉलीवुड डेब्यू। मुकेश की बहन की शादी थी जिसमें उनके दूर के रिश्तेदार और मशहूर अभिनेता व फिल्म मेकर मोतीलाल भी आए थे। इस शादी के कार्यक्रम में मुकेश गाना गा रहे थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज काफी अट्रैक्टिव लगी। इसके बाद मुकेश के करियर की इबारत लिखी गई। 1941 में उन्हें फिल्म निर्दोष में पहली बार गाने का मौका मिला, लेकिन मुकेश को उनकी असली पहचान 50 के दशक में मिली जब उन्होंने शोमैन राज कपूर के लिए गाया। और देखते ही देखते मुकेश राज कपूर की आवाज़ कहे जाने लगे। मुकेश ने राज कपूर के लिए दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जो कर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे सदाबहार हिट गाने गाए हैं जिन्होंने मुकेश को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। वे 60 से 70 के दशक में किशोर और रफ़ी के साथ त्रिमूर्ति में शामिल थे। इन तीनों सिंगर्स को इंडस्ट्री का सबसे महान सिंगर माना जाता है। मुकेश का परिवार। मुकेश की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद रानी के घर में हुआ था। बचपन से ही गाने के शौकीन मुकेश का दिल पढ़ाई में नहीं लगा। उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की और पब्लिक सेक्टर में जॉब करने लगे। मुकेश के 10 भाई बहन थे और वो छठे नंबर के थे। 200 फिल्मों में गाने गए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, सजन रे झूठ मत बोलो, मेरा जूता है जापानी, दोस्त दोस्त ना रहा, और एक प्यार का नगमा है जैसे सुपरहिट गाने मुकेश ने गाए हैं जो आज भी काफ़ी मशहूर हैं। मुकेश ने राज कपूर की इतनी फिल्मों में गाने गाए कि उन्हें राज कपूर की आवाज़ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, मनोज कुमार और शशि कपूर जैसे एक्टर्स के लिए भी सुपरहिट गाने गाए। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश की आवाज़ का जादू लोगों पर कैसा था इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई तो वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर से इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुँचे और उसे गाना सुनाया। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय वह गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश की अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री समेत देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल निर्मल शीतल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मुकेश अमेरिका में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने चले गए जहां 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। राज कपूर को जब उनकी मौत की खबर मिली तो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली थी, मानो राज की ज़िंदगी किसी ने छीन ली हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में राज ने कहा था
कि मुकेश के जाने से मेरी आवाज और मेरी आत्मा दोनों चली गई। मगर कहते हैं ना, आत्मा कभी मरती नहीं। मुकेश के गाए गानों में वो आज भी जीवित है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।